दोस्तों, शिवाशील तो ख़त्म हो गई थी। फिर क्या, मोदी जी ने बोला सिर्फ तेरे लिए खोल देता हूँ। जॉनी वॉकर ब्लैक टेबल के बारे में मैं तो पीता ही नहीं शराब। शराब कोई अच्छी चीज़ नहीं है। शराब पीने वाले और शराब को प्रमोट करने वाले भले लोग नहीं होते हैं। इस कोरोना काल में तो वैसे भी शराब के सेवन से बचना चाहिए, इम्यूनिटी सिस्टम डाउन हो जाता है। चलो, आई होप ऑल ऑफ यू आर अंडरस्टैंड। ब्लैक लेबल एक स्कॉच विस्की को अगर आपको डिफाइन करना हो तो उसके लिए आपको सिर्फ दो वर्ड चाहिए, ब्लैक लेबल। वर्ल्ड की सबसे पॉपुलर स्कॉच विस्की, वर्ल्ड की सबसे वेल नोन स्कॉच विस्की। तो थैंक यू दोस्तों, आपने मेरी वीडियो को बहुत लाइक दिया। आपने देखा क्योंकि मेरी शिवाश रीगल 4.5 लीटर की बॉटल की वीडियो, और आपकी डिमांड में मैं एक दूसरी बॉटल की वीडियो लाया हूँ, ब्लैक लेबल। आर यू एक्साइटेड? सुपर एक्साइटेड, आई नो दैट। तो ये ब्लैक लेबल जॉनी वॉकर की 12 ईयर ओल्ड बॉटल है। इसकी पैकेजिंग कुछ ऐसी दिखती है, ये जाइंट बॉटल है 4.5 लीटर की। कहना चाहोगे? अब वेट कर रहे हो, स्टार्ट होए। चलो खोलते हैं, आ जाओ। इसकी पैकेजिंग काफी अच्छी है, मैं कंपेयर तो नहीं कर पाऊंगा पैकेजिंग, बट जी हाँ, ये है खलनायक। जी हाँ, ये है खलनायक। द जाइंट बॉटल ब्लैक लेबल। ओहो, सुपर एक्साइटेड। यहाँ तो सीन सेट हुआ पड़ा है, लोग स्टार्ट करने के लिए। ये बॉटल भी हफ्ते भर के अंदर खत्म हो जानी है जितना मैं जानता हूँ। बट ये देखो, जॉनी वॉकर की ब्लैक लेबल एक ऐसी बॉटल है जो कि काफी हाई ब्रांड में आती है। इवन इंडिया में या फिर मोस्ट एक्सपेंसिव एंड फेमस विस्की और स्कॉच में मानी जाती है। हाई क्लास के पीपल से लोग कंज्यूम करते हैं। और आई थिंक ब्लैक लेबल एक सिर्फ एक विस्की का नाम नहीं है, ब्लैक लेबल का मतलब है क्वालिटी, कंसिस्टेंसी एंड अ लेगेसी। और ये क्वालिटी, कंसिस्टेंसी और लेगेसी, जो तीन क्वालिटीज़ मैंने आपको बताई हैं, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। दोस्तों, जॉनी वॉकर की शुरुआत हुई थी 1800s में, जब मिस्टर जॉन वॉकर ने अपने ग्रोसरी स्टोर से विस्की बेचनी शुरू करी। और ये विस्की वो खुद नहीं बनाते थे, वो डिस्टिलर से लेकर विस्की इसको ब्लेंड करते थे और उसके बाद अपनी ब्रांडिंग लगा के उसे बेचते थे। और हालांकि उनकी विस्की काफ़ी कम टाइम में बहुत पॉपुलर हो गई, लेकिन जॉनी वॉकर को एक पाइनियर बनाने का मेन क्रेडिट जाता है उनके बेटे अलेक्जेंडर वॉकर, जिनकी छोड़ी हुई छाप आज भी इस ब्रांड पर दिखाई देती है। चाहे हम बात करें इसके लेबल की, जो कि एग्जैक्टली 24 डिग्रीज पर टेल किया जाता है, और ये टेल किया जाता है इसलिए ताकि इस विस्की को एक यूनिक लुक मिले, ताकि वो अलग लगे बाकी के स्योर विस्की से। सो बाबा, आई एम गोइंग टू अनबॉक्स दिस। सील, सील टूट रही है, देखो। ये ब्लैक लेवल की कैप है, दिस इज दी बॉटल। ग्लास में थोड़ा पोर करूं। और ये स्क्वायर बॉटल डिज़ाइन, जिसको बनाया गया था सिर्फ इसलिए ताकि ये बॉटल्स आराम से स्टैग हो सकें और शिपिंग के टाइम पर ये बॉटल्स टूटे ना। लेकिन आज की डेट में ये लेबल, ये बॉटल डिज़ाइन, इसका लोगो,
ये सब एक आइकन बन चुके हैं अपने आप में। yes.